हेलो सैपो, नमस्कार। और सब ठीक ठाक भुलना कन्नू पे वीडियो शुरुआत। ये है दोस्तों सुबह सुबह का नज़ारा। की तैयारी होने लग गई है। एक रोटी यहाँ है और ये क्या है, छोले। ये छोले बन गए हैं गरमा गरम। दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा किताबों का कलेक्शन। एक कक्षा चार की किताबें हैं, एक किताब ये है। इसका रेट है 95। एक किताब ये है। ये किताबें इतनी महंगी हो रही हैं और जबकि लिखा है इनमें, ये 100 रुपये की है। और वैसे ये हिंदी व्याकरण वाली किताबें हैं बच्चों की। कल लाया था मैं रुचि के, और ये भी ऐसी ही हैं। इनके रेट 115 का रेट है इसका, ठीक है। वैसे ये ग्रामर हो गया, वैसे ये हो गया मैरी गोल्ड, ये ड्राइंग हो गई। ड्राइंग कुछ इस तरह की है बच्चों की। ये नया एडमिशन हो चुका है अप्रैल में, काफ़ी भीड़ हो रही है स्कूलों में। 60 रुपीज का है मात्र। ये देखिए, दिख नहीं रहा है कैमरे में क्या बात। ये आया देख प्रिंट, ये है। तो ये कम से कम मेरे को काफी महंगे रेट में बैठे हैं। अभी एक ही बच्चे के हैं, दूसरा बच्चा अभी स्कूल नहीं गया है। कुछ इस तरह के हैं किताबें। देखिए तो आजकल इतना खतरनाक हो रहा है पढ़ाई करना। हमारे टाइम में तो बिल्कुल एक पार्टी होती थी, उसमें लगाते थे काला झोल सेल का, तो इस टाइप का होता था हमारे टाइम में। उसमें काला झोल लगा के उसमें फिर लिखते थे कमेंट से। तो आजकल हो गया बच्चों का कुछ इस तरह का। दोस्तों कल गया था मैं बाज़ार लेने, तो काफ़ी भीड़ लग रही है दुकानों में। सब जगह वही हाल हो रहे हैं, चहल पहल है काफ़ी। और बारात का सीजन भी है, 9 तारीख से फिर नवरात्रियाँ हैं। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ। और इस तरह का बच्चों का आजकल बड़ा खतरनाक स्थिति हो रही है पढ़ाई में, ठीक है। ये है, अभी कुछ किताबें और आनी है दोस्तों इसके बाद। यही नहीं है कि इसी से हो जाएगा। और भी कॉपी है, कॉपी तो फिर स्कूल को ले गई है वो आज। तो ये स्थिति है दोस्तों। कंपटीशन इतना हो रहा है कि उसी दुकान पर किताबें मिलेंगी आपको, अदर दुकानों में कहीं किताबें नहीं मिलेंगी। पता नहीं क्या है इनका, यहाँ से लेकर दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, हल्द्वानी, सब जगह वही हाल है। फिक्स दुकानें हैं, वहीं पर आपको A to Z सामान मिलेंगे, दूसरी जगह आपको मिल नहीं सकता है। तो इसलिए गार्जियन काफ़ी परेशान हो रहे हैं। प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए, NCERT की किताबें लागू होनी चाहिए हर स्कूलों में, और कहीं भी वो मिल सके। ऐसा नहीं है कि एक ही दुकान में जाए और वहाँ फिर मिले नहीं। उसके बाद देखते रहो, लंबी लाइन लग रही है, भीड़ लग रही है और परेशान हो रहे हैं। ये कड़ाके की गर्मी है। चलो तो पहाड़ में तो ठीक मौसम हो रहा है अभी, लेकिन प्लेन्स की ओर काफ़ी ख़तरनाक मौसम हो रहा है, जिससे आदमी परेशान हो रहा है। फिर एक एक सामान के लिए 10-10 बार जाना पड़ रहा है। उसमें भी ये पता नहीं है कि आएगा नहीं आएगा। फिर टाइम दे रहे हैं कि अभी इतने को आएगा, उतने को आएगा, कोई पता नहीं है कि मिले ना मिले। तो इसलिए स्कूलों में ही NCERT की किताबें बढ़िया सस्ते रेट में, जिससे कि बच्चे पढ़ें। ये एक धंधा बना दिया है, बस पैसा कमाना है और काम कुछ नहीं है। चलिए लेकिन करें तो सही कुछ, कर भी रहे हो तो आप लोग। तो आज की वीडियो यहीं तक, और इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए मेरी नई वीडियो। थैंक यू सो मच।